तो क्वेश्चन है, एवरेस्ट वॉच विद एमआरपी ₹5,000 इज अवेलेबल इन टू शोरूम। ठीक है, कि दो शोरूम है, उनमें एक एवरेस्ट वॉच है, एक घड़ी है जिसका एमआरपी ₹5,000 है एट डिफरेंट ऑफर्स। ठीक है, दो शोरूम में है लेकिन डिफरेंट ऑफर वहां पे चल रहे हैं। एक शोरूम में क्या है कि उन्होंने 40% एडिशनल डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं वो, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50%। पहली बार उन्होंने क्या करा, 50% का डिस्काउंट दिया, फिर उन्हें 40% ऑफ कर दिया उस पर। ठीक है, सब कुछ चीज क्लियर हो रही होगी। फिर जो कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, सेकंड इज ऑफरिंग 80% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। जो दूसरा शोरूम था उन्हें क्या करा, 80% का डिस्काउंट दिया एमआरपी ₹5,000। हमेशा आपको पता होगा जो डिस्काउंट मिलता है वो एमआरपी पे मिलता है। एमआरपी मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, या मार्केट प्राइस जिसको कई बार लिखा रहता है। फिर आपको बोला डिफरेंस इन टू सेलिंग प्राइसेस। ठीक है, जो वो दोनों शोरूम सेल कर रहे हैं जिस प्राइस पे, उनका क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, उसका एमआरपी दे रखा है। एमआरपी आपको पता है कि सर एमआरपी यहाँ पे कितना, 5,000, 5,000 मेरे पे एमआरपी है। ओके, दो शोरूम ऑफर कर रहा है, फर्स्ट वन की हम बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट शोरूम की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट शोरूम ने क्या करा, 40% ऑफ आफ्टर ए डिस्काउंट, पहले उसने 50% का डिस्काउंट दिया। देखो यार, वैसे आपके पास, आपने शायद फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है आपके पास डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने का, जो कि होता है आपके पास एसपी इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, ठीक है, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, जो डिस्काउंट दिया रहता है, ठीक है, और अपॉन में आपका 100। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो डायरेक्ट आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये फॉर्मूला भी बनता है। ओके, देखो भाई, आपको बोल रखा है एमआरपी है आपके पास 5,000, वो 5,000 पे आपको ऑफ दे रहे हैं। कितने का ऑफ दे रहे हैं, 50% का ऑफ दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। 50% मतलब आपको पता है अपॉन में 100 होता है, सबको क्लियर है। देखो मैंने क्या करा, 0 से 0 कैंसिल कर दी, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दी, यहाँ मिलेगा हमें कितना, 5,000, 2,500 मिल जाएगा। ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यार, कि 5,000 का 50% 2,500 होगा, है ना, 5,000 है उसका हाफ, मतलब 50% वो 2,500 होगा। 2,500 उन्हें ऑफ कर दिया, 2,500 अगर उन्हें ऑफ कर दिया मतलब ये डिस्काउंट मिल गया। अब जो उसको प्राइस मिला, जो एमआरपी 5,000 पे 2,500 का डिस्काउंट मिला, तो अब उसे जो वो रिस्ट वॉच पड़ेगी वो कितने में पड़ेगी, नो डाउट सर 2,500 में पड़ेगी, क्योंकि 5,000 में से 2,500 का तो डिस्काउंट मिल गया। आपको कितना बचा, 2,500 बचा। इसके बाद फिर इस 2,500 पे भी उन्होंने क्या कर दिया, इस 2,500 पे भी क्या कर दिया, 40% का डिस्काउंट दे दिया। परसेंट की मीनिंग आपको पता है क्या होती है, अपॉन में 100 होता है, परसेंट का साइन लगा दो, अपॉन में 100 लगा दो। 0 से ये 0 मैंने कैंसिल कर दी, 0 से ये 0 मैंने कैंसिल कर दी, कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100 होता है और 1 ही 0। मतलब फर्स्ट वाले शोरूम में जो 40% के बाद, जो डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, जितने में वो रिस्ट वॉच पड़ेगी वो कितने में पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 2,500 में से 1,000 को भी माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा, 1,500। तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1,500 होगा भाई। इतनी बात आपको समझ आई, फर्स्ट शोरूम में हमने क्या करा, मार्क प्राइस था हम पे, एमआरपी था 5,000, इसका हमने 50% डिस्काउंट दे रखा था, वो निकाल दिया, 2,500 हुआ। 2,500 पे फिर 40% का ऑफ था, तो हमारा 1,040% आया, मतलब 25 का 40% 1,000 ऑफ था, तो आपको वो रिस्ट वॉच 1,500 में मिल जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है। अब हम दूसरे कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन में आपको क्या बोल रखा है, एमआरपी तो वही है 5,000, 5,000 पे डायरेक्ट आपको उन्होंने ऑफ दे रखा है 80% का, इसका 80% निकाल दो। 5,000 का 80% आपने निकाल दिया, ये कितना मिला, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना मिला, 8,544,000 का क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है सेकंड वाले में। ठीक है, तो 4,000 का ऑफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 5,000 तो एमआरपी था, 4,000 का ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे जो वॉच मिलेगी वो 1,000 रुपीज में मिलेगी, जो कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, देखो डिस्काउंट वाले में, एमआरपी वाले में हमेशा जो सेलिंग प्राइस होता है वो शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में बोला जाता है ना, कि शॉपकीपर के साइड से। अब देखो यार, पहले से आपको 1,500 में पड़ रही है,
दूसरे में आपको 1000 में पड़ रही है। हमें डिफरेंस निकालना था, हमें क्या निकालना था गाइज, डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस अब आप इसलिए निकाल लोगे, 1500 माइनस 1000 आपको मिल गया कितना, 500 का डिफरेंस है, ये आपका आंसर था। और वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आपका भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आप उसे कमेंट कर सकते हो, इजीली आपका मैं उस पर सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। ओके।